आज की ताज़ा तरीन ऐसा अपडेट में वफाकी हुकूमत ने ISPR की दरख्वास्त पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और इनके साथियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत लाहौर में अहम इजलास हुआ जिसमें ISPR के बयान पर इमरान खान और इनके साथियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला किया गया। कार्रवाई करने के लिए आईनी कानूनी माहरीन पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी गई है। इलाहाबाद में गवर्नर हाउस पंजाब समेत दीगर शहरों में जलाओ घिराओ पर अलग कार्रवाई का फैसला किया गया है। इजलास में कहा गया कि निजी मलाक पर हमलों पर भी कानूनी कार्रवाई का अमल में लाई जाएगी। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर ISPR की जानिब से बयान जारी किया गया था जिसमें कहा गया था इमरान खान ने इदारे और अफसर के खिलाफ इल्ज़ाम नाकाबिल कबूल हैं। पाकिस्तान के फौज एक इंतहाई पेशावर और नज़्म व ज़ब्त की हामिल तंजीम है। पाक फौज का एक मजबूत और इंतहाई मौसर अंदरूनी एहतसाबी निज़ाम है। तर्जमान पाक फौज का कहना था कि वर्दी पोश एहलकारों के जरिए गैर कानूनी कार्रवाई के लिए एहतसाबी निज़ाम मौजूद है। मफाद परस्तों के फजूल इल्ज़ाम से फौजियों की इज्जत को दागदार किया जा रहा है। इदारा हसद से अपने अफसरों पर सिपाहियों की हिफाजत करेगा। मजीद कहा गया था कि किसी को भी इदारे या अफसरान की बेइज्जती की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुकूमत से दरख्वास्त की गई है कि मामले की तहकीकात करे। हुकूमत इदारे और अफसरान की खिलाफ पर कानूनी कार्रवाई करे और झूठे इल्जामात के जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। ये ताज़ा तरीन